शिवपुरी जिले के वार्ड नंबर 38 फक्कड़ कॉलोनी में स्थित कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो अनाज के लिए मोहताज हैं। इनका कहना है कि अभी तक प्रशासन के द्वारा इनको राशन उपलब्ध नहीं कराया गया। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं फक्कड़ कॉलोनी में, वार्ड नंबर 38 शिवपुरी। यहाँ पर कोरोना अपनी जड़ें जैसे जैसे पसारता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो गरीब परिवार है वो अपना पेट पालने के लिए जमीन दोस्त से मेहनत करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो परिवार मेरे पीछे खड़े हुए हैं, ये सभी लोग परेशान हैं। किसी की कोई परेशानी है, किसी की कोई परेशानी है। ना तो यहाँ शौचालय बना है, ना यहाँ पर राशन की व्यवस्था सरकार के द्वारा करवाई जा रही है। इन परिवारों का कहना है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी राशन बांटने के लिए नहीं आया है, ना नगर पालिका के द्वारा, ना प्रशासन के द्वारा यहाँ पे राशन मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि ये कौन सी परेशानियों से जूझ रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सरूपी रजक। क्या परेशानी आपको? परेशानी ये है बहन जी, मैं मेहनत मजदूरी करते खाते वो भी नहीं है, मेहनत मजदूरी अब क्या, कोरोना के वजह से घर बैठे हैं, अब भूखे प्यासे मर रहे, कहाँ से खाए, बच्चे जा नहीं रहे, हम जा नहीं रहे, अमन को मदद चाहिए आपकी। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? वही मेहनत मजूरी कर रहे, खा रहे। यहाँ पर कोई राशन देने आया कि नहीं आया? नहीं आया बहन जी, कोई भी नहीं आया, बिल्कुल एक दाना नहीं मिला हमको। आपके पास बीपीएल कार्ड है? नहीं, सफेद राशन कार्ड है। सफेद राशन कार्ड पे आपको राशन दिया जा रहा है? दिया था, 5 किलो कितने दिन खाएंगे ये बताओ। राशन में क्या क्या दिया गया आपको? बस चावल मिले हैं, अकेले बस चावल, चावल दिए, और पति हमारा खत्म हो चुके हैं, तो पति ये हो गए, तीसरी साल चल रही है, और बिन का भी पता नहीं लगा, कोई भी कोई मदद नहीं मिली हमको, हमको आपकी मदद चाहिए। आपका नाम? आपका किरण। किरण, क्या परेशानी है आपको? हमारे लिए जो परेशानी है कि हमारा पति बीमार है, हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए, और टैक्सी चला देते वो ही बंद रखी है। तो यहाँ पे आपको राशन वगैरह मिल रहा है? राशन मिला था 3 महीना का पहले, पर अब वो खा चुका, अब खा चुका, अब क्या कहा। आपका नाम? गिरजा भाई। आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? ये परेशानी है मैडम जी के, एक तो बिलदारी नहीं लग रही, कितना बैठी है। हाँ गिरजा भाई आदिवासी हूँ मैं, लेकिन बिलदारी नहीं लग रही, तो वो भूखे मर रहे, बच्चा है एक, तो उसने मैंने पढ़ा लिया उसको, उसी नौकरी नहीं मिल रही कहीं, 25 साल की उम्र। आपको क्या परेशानी है? हमें ये परेशानी कि आज हमारे खावे नहीं है, वो गेहूँ मिले थे वो भी खत्म हो गए। ठीक है, आपको क्या परेशानी है? ये है कि टैक्सी किराए से चलाते हैं, तो वो भी बंद है। प्रशासन के द्वारा आपको क्या क्या व्यवस्था करवाई गई है कोरोना के लिए? कोरोना के लिए जे 3 महीना को खट्टो मिला था, तो खा चुके, अब वो ही परेशानी है। खाने की परेशानी।